नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। भगवानपुर अतरुआ तेघरा पथ पर व्यवसायी के तगदिया से हुई छिनतई की घटना। भगवानपुर त्याओपी क्षेत्र स्थित अतरुआ तेघरा पथ पर अवस्थित रघुनंदनपुर सुमित्रा गेट के पास बीती शाम तीन अज्ञात अपराधियों के द्वारा तेघरा के एक व्यवसायी के तगदिया से दो मोबाइल सहित 1,08,000 रुपये नकद छीन लेने का मामला प्रकाश में आया है। उक्त बाबत तेघरा थाना क्षेत्र के काजी रसलपुर गांव निवासी शत्रुधन यादव के पुत्र धर्मेंद्र कुमार ने टीआईओपी में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने कहा है कि मेरे साथ तेघरा थाना क्षेत्र के गौरा गांव निवासी चंद्रकांत पाठक के पुत्र सरोज कुमार पाठक, दोनों तेघरा के व्यवसायी मिंटू लाल कमोटिया के यहाँ काम करते हैं। उन्हीं का पैसा बनबाड़ीपुर बाजार से वसूल कर तेघरा की ओर जा रहे थे। इसी बीच अतरुआ तेघरा मुख्य पथ के रघुनंदनपुर गांव स्थित सुमित्रा गेट के पास तीन अज्ञात अपराधियों द्वारा काले रंग की पल्सर बाइक से हम दोनों को घेर कर मोबाइल एवं सरोज कुमार पाठक के पास से 1,08,000 रुपया छीन लिया गया है। अपराधियों ने धमकी देते हुए कहा कि अगर हल्ला गुल्ला किया तो जान से मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ टीआईओपी अध्यक्ष चंद्रकांत कुमार ने उक्त मामले में थाना कांड संख्या 187/22 दर्ज करते हुए छानबीन में जुट गए हैं। भगवानपुर से विजय भारती की रिपोर्ट।